वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं चिंतामणि। आज के एक्सरसाइज हमारी 7.11 क्वेश्चन फोर्थ। सो नाउ क्वेश्चन फोर्थ, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स एवलुएट द इंटीग्रल्स। क्वेश्चन फोर्थ, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कोस पावर 5 एक्स अपॉन कोस पावर 5 एक्स प्लस साइन पावर 5x dx। सो नाउ सॉल्यूशन, लेट I इक्वल इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कोस पावर 5x अपॉन कोस पावर 5x प्लस साइन पावर 5x dx। This is equation first, implies I equal integral 0 to pi by 2 cos power 5 pi by 2 minus x upon cos power 5 pi by 2 minus x plus साइन पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स। एस इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डीएक्स इक्वल इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डीएक्स। इम्प्लाइज I इक्वल इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन पावर 5x अपॉन साइन पावर 5x प्लस कोस पावर 5x dx। दिस इज इक्वेशन टू। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, we obtain two I equal integral 0 to pi by 2 cos power 5 x plus sin power 5 x upon sin पावर 5x प्लस कोस पावर 5x dx। इंप्लाइज 2i इक्वल इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू dx। इम्प्लाइज 2i इक्वल x 0 टू पाई बाय 2। इम्प्लाइज 2i इक्वल पाई बाय 2 माइनस 0। इम्प्लाइज I equal pi by 4। Now class over। वीडियो समय लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करके सजेस्ट कीजिए। अदर वीडियोज के लिए @ चिंतामणि क्लासेस 585 की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। खुश रहिए। थैंक्स।